बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमने चैप्टर सिक्स जो है ख़त्म किया है, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर सेवन, बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स तो हम बाद में पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि बायो एनर्जेटिक्स का मतलब ये है, बायो मीन लाइफ, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, एनर्जेटिक्स मीन्स जो है हमारे पास एनर्जी के साथ रिलेशनशिप है, एनर्जी किस तरह हमारे पास जो है किस फॉर्म में इस्तेमाल होती है। ठीक है, या हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हो तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी की तरफ आ गए, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ओके, या द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ओके, या द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू बेसिकली टू डू वर्क, स्टार्ट एनर्जी। हमारे पास जो एनर्जी है, आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम जनरली ले रहे हैं, एनर्जी के बगैर जो है कोई भी काम जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टू डू वर्क, ओके, टू डू वर्क स्टार्ट वर्क एनर्जी। तो अब हमारे पास जो है मुख्तलिफ वर्क होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि वर्क किसे कहते हैं, ठीक है, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, ठीक है, और कुछ फासिलत करें, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्क। फॉर एग्जाम्पल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ को पुश करते हैं, किसी चीज़ को पुल करते हैं, ठीक है, कोई धक्का लगाते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बात में आते हैं, तो एनर्जी बेसिकली टू फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एनर्जी बेसिकली हमारे पास दो फॉर्म में होते हैं, एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास नाम से पता चलता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मीन दैट इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व टूवर्ड्स टू डू वर्क, जब हम काम करते हैं, ठीक है, काइनेटिक, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसमें मोशन होता है। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास क्या है, इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व टू डू वर्क, इसका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास जो बॉडी की पोजिशन की तरफ है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में मोशन, ड्यू टू मोशन और ड्यू टू पोजिशन। The potential energy store in chemical bonds. Okay, हमारे पास already chemical bond में energy store होती है, जब वो chemical bond तोड़ता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, it is used for future use. ठीक है, मुस्तकबिल में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, it is released this kinetic energy when these bonds are what, break. अब हम आते हैं किसकी तरफ, बायो एनर्जेटिक की तरफ। सो बायो एनर्जेटिक्स, आप लोग तो पता है कि ये terms जो है, बायो मीन लाइफ, ओके, एनर्जेटिक्स, तो बेसिकली अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और दूसरा हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये किस तरह इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं किसकी तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, क्योंकि हमने कहा कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क स्टार्ट एनर्जी। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप की तरफ आते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जर्नल लेते हैं कि किसी चीज़ को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, इसको एनर्जी चाहिए, तो इस तरह हमारी बॉडी में जो है वर्क किस तरह होगा, ये एक वर्क है, ठीक है, एक काम है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी में मैकेनिकल वर्क के लिए एनर्जी चाहिए। मैकेनिकल वर्क क्या है, जो मसल्स का मूवमेंट है, जो मसल हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, जितना भी ज्यादा एनर्जी होगा तो मसल इतना ज्यादा काम करेगा। दूसरा हमारे पास केमिकल वर्क है, जितने भी बॉडी में हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, हमारे पास उसके लिए एनर्जी चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जाम्पल अगर फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के बगैर तो नहीं होता, और बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शन है, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे बॉडी में मेनली ये तीन काम होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसमें हमारे पास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से किधर जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन में, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसका हमारे पास इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किस फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है, या एनर्जी किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज द बेसिकली, हम अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, एटीपी बेसिकली हमारे पास जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ द लिविंग सेल। ओके, सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो एटीपी बर्न होता है, बेसिकली हमारे पास जो खुराक होता है, ठीक है, उस खुराक में एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो खुराक जब तोड़ता है, ठीक है, तो हमारे पास वो एटीपी जो है एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और वो हम मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं। तो अब डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, बायो एनर्जेटिक्स द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। हमारे पास जो लिविंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें अब हमारे पास एनर्जी जो है ट्रांसफर किस तरह होगा, हमारे पास दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस के जरिए हमारे पास क्या होता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास टू प्रोसेस है लिविंग बॉडीज में, ठीक है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा हमारे पास है रिस्पिरेशन और रिस्पायरेशन। क्योंकि इस चैप्टर में हम ये दोनों चीजें बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस किस तरह होते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, अब हमारे पास फिर रिस्पायरेशन इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस सारे चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो लिविंग सिस्टम में अल्लाह ताला ने जो एनर्जी दिया है फ्री में, ओके, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम सूरज को ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हम सूरज को ले लें तो हमारे पास जो सूरज है, सन जो है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब हमारे पास जो सन है, अब ये एनर्जी लेती है, ठीक है, कौन, डायरेक्ट कौन एनर्जी हमारे पास जो है लिविंग बॉडीज में लेते हैं, उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप उसको कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। तो वो कौन है, वो प्लांट्स है। तो प्लांट्स अब जब एनर्जी लेगा तो सन हमारे पास ही लाइट एनर्जी है, इसको हीट एनर्जी भी कहते हैं, रेडिएट एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी जब हमारे पास प्लांट्स में आते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है बेटा, हमारे पास ये प्लांट्स है और प्लांट्स में लीफ होता है, और लीफ में क्या चीज होता है, क्लोरोपिल। क्लोरोपिल इज आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इधर हमारे पास सेल का क्या होता है, खुराक तैयार होता है, तो इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। अब हमारे पास जो है बेसिकली ये जो सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं प्लांट्स, ओके, ये हमारे पास क्या करते हैं बेटा, ये कन्वर्ट एंड ये क्लोरोपिल क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। सो द स्टडी ऑफ कन्वर्जन, आप लोग देख ले, हमारे पास जो लाइट एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आया, एटमॉस्फेयर से, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर 0.04%। ओके, और अब हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, या वाटर है किधर से आया, सॉइल से, सनलाइट है, और हमारे पास क्या है बेटा, क्लोरोपिल। सनलाइट और क्लोरोपिल ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा, तैयार होगा ग्लूकोज। तो अब हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि इस खुराक में अब एनर्जी स्टोर है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसको अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे, मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं इसको रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन बेसिकली इसकी उलट है, अगर आप रिस्पायरेशन को देख ले बेटा, ठीक है, तो रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है, C6H12O6+6O2। ओके, हमारे पास 6H2O भी है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखिए, या नहीं लिखने तो मत लिखिए। तो हमारे पास क्या है, 6U2+6H2O+36 ATP। अब हमारे पास जो है, आप लोग अगर देख ले, ठीक है, तो हमारे पास जब ये रिस्पायरेशन हो जाता है, ये खुराक मॉलिक्यूल का, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टूट जाता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपी। तो इस मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की वजह से हमें मिलता है 36 ATPs।
तो केमिकल एनर्जी अब चेंज हो गया किस एनर्जी में, मैकेनिकल में या हीट एनर्जी में, ओके। सो द स्टडी ऑफ बेसिकली अब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, अब तो देखिए सोलर एनर्जी चेंज हुआ केमिकल में, केमिकल अब चेंज हो गया मैकेनिकल में या हीट एनर्जी में। सो द स्टडी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम या इन अ लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स, ओके। तो अब हमारे पास आपको पता है कि टू मेन प्रोसेस है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, इन्वॉल्व है। एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस है और दूसरा क्या है बेटा, रिस्पायरेशन है। द स्टडी ऑफ एनर्जी दूसरा डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास मैंने रिलेशनशिप भी बता दिया और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेटा बायो एनर्जेटिक्स, ओके। जो खुराक आप खाते हो, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है दिमाग में बैठी भी। अब और वो रिस्पायरेशन में वो एनर्जी जो है किस चीज में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये एनर्जी यूज इन लाइफ एक्टिविटीज। फॉर यूज फॉर व्हाट, लाइफ एक्टिविटीज। लाइफ एक्टिविटीज क्या है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, हमारे पास जो है बेसिकली एक्सक्रीशन है, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ये सारी लाइफ एक्टिविटीज, इसके लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। इस तरह तो नहीं कर सकते कि इंसान जाए पेट्रोल पंप में कि 2 लीटर पेट्रोल डाल, इस तरह तो नहीं हो सकता, ठीक है। इंसान के लिए खुराक में एनर्जी होती है, जितना ये खुराक खाएगा, फिर हम बाद में दूसरे चैप्टर में बताएंगे, चैप्टर में इंशाल्लाह कि खुराक भी खाना है लेकिन वो किस तरह खाना है, बैलेंस डाइट खाना है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स को भी फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ, वो भी हम इंशाल्लाह 8 चैप्टर में बताएंगे, ठीक है, कि अगर प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से भी खुराक मिलता है, फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, ये जो है ना पानी और इसी तरीके से, तो आपका जो होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो फसल होगा, प्लांट्स होगा, फ्रूट्स होगा, वो क्या होगा, वो हेल्थी होगा। और ड्यू और हमारे पास ये सारा प्रोसेस आप लोग जानते हो, ठीक है, कि एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। आप लोग जो नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग डायग्राम को देख लें, ठीक है, तो डायग्राम में आप लोगों को लिखा है, आप लोग ने डायग्राम के देख लें, इसमें लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किधर से मिलता है, रिडक्शन किसे कहते हैं, फिर हम डिटेल में बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आप लोग अगर डायग्राम को देख लें दूसरी पेज की, तो हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेसिकली हमारे पास जो है ये कौन से प्रोसेस में होता है, फोटो सिंथेसिस में। फिर इसके बाद लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल वो कौन सा प्रोसेस है, रिस्पायरेशन। और इधर जब एनर्जी लिखा है तो एनर्जी किधर से मिलती है, सनलाइट से, बिकॉज सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। कि हमारे पास एनर्जी किधर से आती है, ओके, एनर्जी हमारे पास सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास जो है स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ओके, एटीपी। और हमारे पास क्रिया का थ्री प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, क्या है बेटा, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या हमारे पास जो है बेसिकली केमिकल सिस्टम है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस है, ठीक है। सेल को मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर तरीके से एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पास आज टॉपिक था बायो एनर्जेटिक, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया मैंने, ठीक है। इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना अहम है। आज हमारे साथ दूसरा टॉपिक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओके। और आपको पता है कि देयर फॉर लाइफ प्रोसेस वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। जब एनर्जी नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ऑल लाइफ प्रोसेस जो है, ठीक है, फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास प्लांट्स के लिए आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके। तो अब हमारे पास जो है फिर प्लांट्स जो है बोल लेते हैं एनिमल्स, ओके। इसलिए प्लांट्स ऑटोट्रॉपी और एनिमल हेटरोट्रॉप्स, लेकिन दोनों रिएक्शन बहुत आम है। इन्वॉल्व एक्सचेंज, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हमारे पास एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन एटम, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दूसरा गेन करते हैं, ठीक है। किस चीज में, रिडॉक्स रिएक्शन में सिमल्टेनियसली हमारे पास में चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन,
अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन में हमारे पास द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कार्ड ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्कार्ड ऑक्सीडेशन, और यह हमारे पास क्या है, द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, स्कार्ड व्हाट रिडक्शन, ओके सॉरी ऑक्सीडेशन, हमारे पास क्या है, द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्कार्ड व्हाट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन हमारे पास इसके उलट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, दूसरा हमारे पास द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड ए है, ठीक है, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन कर क्या कर दी, लॉस कर दी, तो इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो जब ये हमारे पास ये दूसरा, हम कहते हैं कि हमारे पास ये ए कंपाउंड जो है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दी, लॉस कर दी, ठीक है, हमने कहा, तो ये ए कंपाउंड हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हो गया। अब हमारे पास जो रिडक्शन है, ठीक है, बेसिकली अगर हम ले ले, अगर हम रिडक्शन को लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बी कंपाउंड जो है इन्होंने क्या कर दिया, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, जब बी कंपाउंड ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ओके, तो ये दोनों प्रोसेस जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो ये दोनों हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के क्या है, एग्जांपल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, ठीक है, तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं, अगर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन। तो कंबाइन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेस्ट एग्जांपल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। प्रोसेस इन्वॉल्व इन एनर्जी फ्लो, आपको पता है कि हमारे पास इकोसिस्टम में, ठीक है, हमारे पास एनर्जी फ्लो करते हैं कॉन्स्टेंटली फ्लो, ठीक है, या हमारे पास एक्विजिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी, किस फॉर्म में ये एनर्जी किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये एनर्जी इस्तेमाल होते हैं ग्रोथ में, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि हमारे पास जब इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है, आप लोग को मैंने कहा ना, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, ओके, या हमारे पास यहाँ ट्रांसफर कर दिया है पोजीशन, या खुद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लाइक व्हाट, फॉरवर्ड और ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए हमारे पास, ठीक है, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दूसरा हमारे पास मोमेंट, अगर जितना भी आपके आप में एनर्जी ज्यादा है तो आप मोमेंट ज्यादा कर सकते हो, गाड़ी में फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल ज्यादा है तो आप जो है बहुत दूर तक जा सकते हो, अगर गाड़ी में पेट्रोल कम है तो आप जो है ना ज्यादा नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा जो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, किसी के लिए The ability of living organism to produce offspring in their own kind, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसलिए कहते हैं कि प्रोसेस इन्वॉल्व इन एनर्जी फ्लो। इलेक्ट्रॉन एज इसमें और टॉपिक है, सब टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ठीक है, हमारे पास जो एनर्जी कॉन्स्टेंट फ्लो करते हैं, इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एज एन एनर्जी सोर्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है डिपेंड अपॉन देयर व्हाट लोकेशन इन एटम, एटम की लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंड क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास ये बेसिकली जो है रिवॉल्व होते हैं, ठीक है, हमारे पास ये न्यूक्लियस में कुछ नजदीक होते हैं जिसको हम मतलब जो है लो एनर्जी लेवल कहते हैं, और कुछ हमारे पास पारदर्शी जिसको हाई एनर्जी लेवल कहते हैं। अरेंजमेंट, अब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट जो है अलग अलग होते हैं शेल में, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल है या शेल है, वो फार्मूला है ट्विन स्फीयर, ठीक है, इनका मतलब है नंबर ऑफ शेल, ठीक है, कि फर्स्ट शेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में कितने आते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है, फिफ्थ में, इस तरह, ठीक है बेटा। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल किस तरह, अगर हमारे पास वे इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन, अगर हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन एटम में है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, आप लोगों को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब ये है कि हमारे पास पहली शेल में 2 है और हमारे पास जो आखिरी शेल है उसमें कितने है, 6 है। अगर ये इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, सो दे आर स्टेबल एसोसिएशन बट दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास निकल जाए ऑक्सीजन एटम से, या दूसरे एटम से अटैच हो जाए, कार्बन है, हाइड्रोजन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हमारे पास जब उधर से निकलता है तो ये अनस्टेबल स्टेशन है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर कार्बन के साथ अटैच हो जाता है या हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास CH4 C6H12O6 हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी।
जमीन से बाहर निकलता है तो स्टेशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, लेकिन क्या करते हैं ये ट्राई करते हैं टू मूव बैकवर्ड, ओके, टू ट्राई टू मूव बैक इनटू ऑक्सीजन एन व्हेन दिस हैपन, आपको पता है कि हमारे पास ये बांड टूट जाए तो वापस जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, और ये क्या है, इट एक्चुअली गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन लिए करने से, नहीं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हमारे पास इधर लिए कि रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारे पास है बेसिकली लास आर्गेन ऑफ वर्ड हाइड्रोजन एटम बुक में दिया है कि लास आर्गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये कि अगर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम सॉरी अगर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, अगर देते हैं तो मतलब ये है कि हमारे पास उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं हाइड्रोजन एटम तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन में जो एटम है, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो गेन होते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन कर दिया, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कंबाइन क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, और आप लोगों को पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिडॉक्स रिएक्शन जो है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल अगर हमारे पास जो है लाइफ प्रोसेस फिर नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी नॉर आपको पता है ना डिस्ट्रॉय होते हैं ना पैदा होते हैं, बल्कि हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में तब पॉसिबल है जब हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस मौजूद हो या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मौजूद हो, ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों ने बेटा इस दोनों टॉपिक को देखना है, ठीक है, खूब अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।